हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में इवोल्यूशन पढ़ा। इवोल्यूशन में हम लोगों ने सबसे पहले यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ वो देखा। यूनिवर्स के ओरिजिन के रिगार्डिंग एक थ्योरी जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था। और उससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था टाइमलाइन कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आया, फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कब हुआ, फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन कब हुआ, वो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। और फिर उसके आगे हम लोग चलेंगे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। लाइफ के ओरिजिन के रिगार्डिंग जो पांच थ्योरीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो थ्योरीज को आज एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वो टाइमलाइन देख लीजिए। सबसे पहले जो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो, है ना। अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब आरएनए और प्रोटीन, ये कब बना था, ये बना था 3 बिलियन ईयर्स पहले। फर्स्ट सेल 2 बिलियन ईयर्स एगो। ये टाइमलाइन जो एनसीईआरटी में दी हुई है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है ना। ये आपको बिल्कुल याद कर लेता है। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर्स एगो, लाइफ अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर्स पहले, फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स 3 बिलियन ईयर्स पहले और फर्स्ट सेल 2 बिलियन ईयर्स पहले, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि लाइफ का ओरिजिन के रिगार्डिंग जितने भी थ्योरीज है उनको, तो लाइफ लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ के ओरिजिन के रिगार्डिंग जो फर्स्ट थ्योरीज था उसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बाद आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, देन लास्टली वी विल सी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी, ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन से। देखिए थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अनुसार जो हमारा अर्थ है वो सिर्फ 4000 ईयर्स पुराना है ना, सिर्फ 4000 साल पुराना है। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन आवर अर्थ इज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड, है ना। थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम लोगों से बोलता है कि कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था। और आप आज के डेट में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, मतलब जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इस पृथ्वी पर देखते हैं, सब सारा चीज भगवान ने बनाया था, है ना। इस थ्योरी के रिगार्डिंग कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था, ये फर्स्ट पॉइंट है। थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अनुसार जितने भी लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स आपको दिख रहा है, ये सब एज इट इज, अभी जैसे है वैसे ही भगवान आए और इसको बनाकर चले गए, है ना। अगर हम लोग बाइबल का बात करें, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो हमारा अर्थ है वो 6 डेज लगा इसको बनाने में, है ना। 6 दिन में भगवान ने हमारे अर्थ को बनाया अकॉर्डिंग टू बाइबल। फर्स्ट डे भगवान ने हेवन बनाया जिसे स्वर्ग बोलते हैं और अर्थ बनाया। सेकेंड डे भगवान ने स्काई बनाया, वॉटर बनाया। थर्ड डे भगवान ने
लैंड और लैंड प्लांट्स को बनाया, लैंड और लैंड प्लांट्स। फोर्थ डे स्टार सन ये सारे चीज भगवान ने बनाए। फिफ्थ डे बर्ड्स एंड फिश। एंड सिक्स्थ डे एनिमल्स एंड ह्यूमंस, है ना। अगर हम लोग थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बाइबल को ले, तो बाइबल हमें हमसे कहता है कि ये जो हमारा अर्थ है वो उसे बनाने में 6 दिन लगे, है ना। फर्स्ट दिन भगवान ने हेवन और अर्थ बनाया, सेकेंड डे भगवान ने स्काई और वाटर को बनाया, थर्ड डे लैंड प्लांट्स को बनाया, फोर्थ डे स्टार्स एंड सन को बनाया, फिफ्थ डे बर्ड्स एंड फिशेस को बनाया, एंड सिक्स्थ डे एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अकॉर्डिंग टू बाइबल जो फर्स्ट मैन था इस अर्थ पे उनका नाम था एडम, है ना, जिन्हें एडम विच वॉज डेवलप फ्रॉम क्ले, एंड द फर्स्ट वुमेन इज ईव विच वर डेवलप्ड फ्रॉम 12th रीप्स ऑफ एडम। अगर हम लोग बाइबल का बात करें, बाइबल में जो अर्थ के लाइफ के ओरिजिन के रिगार्डिंग जितने भी बातें लिखी हुई है ये है ना। अब देखो अगर हम लोग हिंदू मिथोलॉजी का बात करें तो हिंदू मिथोलॉजी भी लाइफ के बारे में बोलता है कि जो हमारे ट्रिनिटी गॉड है जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं, उनमें से जो ब्रह्मा जी है जिन्हें गॉड ऑफ क्रिएटर बोला जाता है, उन्होंने इस पृथ्वी का निर्माण किया। इस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी लाइफ आपको दिख रहा है सारे को ब्रह्मा जी ने बनाया अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन हम लोगों से कहता है कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था, है ना। अब देखो कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ मतलब कि आप आज जितना भी लिविंग कॉम्पोनेंट्स को और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स को इस अर्थ में देख रहे हैं सारा भगवान ने बनाया, ठीक है। अब देखो थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। अब ये थ्योरीज को कौन मानता है, ये जो थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन है इसको कौन मानता है, तो जितने भी साधु संत है और जितने भी रिलीजियस पर्सनैलिटीज है वो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं ना। ऑल द सैंट्स एंड रिलीजियस पर्सनैलिटीज बिलीव्स दिस थ्योरी, है ना। ऐसे ही एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है जो इस थ्योरी को मानते हैं जिनका नाम है फादर सुवारेज, जिनका नाम है फादर सुवारेज, है ना। बहुत फेमस पर्सनालिटी हुए ये, इनके स्टेटमेंट बहुत फेमस हुए। इनसे एक बार मीडिया वालों ने पूछा कि अच्छा चलिए हम बोलते हैं कि भगवान जी ने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया, लाइफ का ऑरिजिन कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भगवान ने बनाया। तो इनसे एक बार पूछा गया कि बताइए कि अगर सारे ऑर्गेनिजम्स को भगवान ने बनाया है तो जो हमें फॉसिल्स मिलता है, डायनासोर के हड्डी मिलते हैं खुदाई के दौरान, वो क्या है। तो इनका बहुत अच्छा आंसर था, ये क्या बोले फादर सुवारेज ने कहा कि ये जो भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं मिट्टी में दबे हुए, ये भगवान ने दबा दिया ताकि मतलब वो हमारा फेथ चेक करना चाहते थे, भगवान हमारा फेथ चेक करना चाहते थे कि हम उन पर विश्वास करते हैं कि नहीं, इसलिए वो जितना भी फॉसिल्स है डायनासोर के हड्डीज है उनको जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं उसको जमीन के अंदर छुपा दिया। ये फादर सुवारेज का स्टेटमेंट था, है ना, बहुत अजीब सा स्टेटमेंट था। तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन द अर्थ वॉज क्रिएटेड बाई गॉड, देर इज नो इवोल्यूशन। जितने भी साइंस है रिलीजियस पर्सनलिटी वो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं लेकिन इस थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो ये था आपका थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस सेकेंड थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। देखिए एज द नेम डिपिक्ट्स अबायोजेनेसिस, अबायो
जेनेसिस। अ मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लाइफ और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। इस थ्योरी के रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, अंडर सर्टेन कंडीशंस द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स गिव राइज टू लिविंग थिंग्स, है ना। अच्छे से सुनिएगा, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस क्या बोलता है, अंडर सर्टेन कंडीशन द नॉन लिविंग थिंग्स गिव राइज टू लिविंग थिंग्स, है ना। मतलब अगर हम बात करते हैं कि सपोज दैट ये रिवर है, दिस इज अ रिवर, रिवर के साइड ये मड है, यहाँ पे मड है, मिट्टी है और ये सन है ना। तो मतलब जैसे ही ये सन का रेडिएशन इस मिट्टी पर पड़ता है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशंस है, सन का रेडिएशन जैसे ही मिट्टी पर पड़ता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस हमसे ये करता है, अंडर सर्टेन कंडीशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट गिव राइज टू लिविंग थिंग्स। इसके लिए 1600 में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किया था जिनका नाम था वॉन हेलमोंट। ये साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि देखो मैं तुम्हें नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनाकर दिखाता हूँ, है ना। क्या किए थे ये, तो ये स्वेट वाला क्लॉथ लिए थे ना, पसीना वाला क्लॉथ और प्लस वेट, इसको मिलाकर रख दिए थे और कुछ दिन वेट किए। बोले कि देखो मैंने पसीना वाला कपड़ा को रखा और गेहूं को रखा, अब देखो मैं कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को बनाकर दिखाता हूँ। तो फिर मतलब कुछ दिन के बाद इनको यहाँ पे चूहा दिखा, है ना, चूहा दिखा। तो ये क्या बोल रही है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस द नॉन लिविंग थिंग्स गिव राइज टू लिविंग थिंग्स, है ना। उनको ये नहीं पता कि ये चूहा ये गेहूं खाने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस हमसे ये बोलता है कि अंडर सर्टेन कंडीशन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट गिव राइज टू लिविंग थिंग, जैसे कि मड है नदी के किनारे, अगर उसमें सन का रेज लगातार पड़ रहा है तो वो लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन कर देगा, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस हमसे ये बोलता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये सारे थ्योरीज हमें लाइफ के का ऑरिजिन कैसे हुआ वो बताते हैं ना, थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। हाँ, एक चीज देखेंगे, जो थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट गिव राइज टू लिविंग ऑब्जेक्ट स्पॉन्टेनियसली, है ना, इसीलिए इसको थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोला जाता है। मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशंस में जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स को जन्म दे सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, ऐसे ही, है ना। तो इसीलिए थ्योरीज ऑफ अबायोजेनेसिस इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। नाउ कम टू द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या अगर हम लोग लाइफ का बात करें तो इसे प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाया, है ना। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वॉज गिवन बाई 3 साइंटिस्ट, रेड्डी, स्प्लैंजिनी एंड पास्चर। पास्चर थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस के अनुसार जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसे वो पुराने, मतलब द न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। देखो ये जो थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस है ये फेल क्यों हो गया, क्यों फेल हो गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ। जैसे कि ये थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस तो हमको बता देता है कि लाइफ से ही लाइफ आया, लेकिन जो पहले लाइफ था, है ना, जैसे अगर हम बोलते हैं कि लाइफ से लाइफ आया तो ये पहला वाला लाइफ कैसे आया, ये ना हम लोग जानना चाहते हैं। तो थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस हम लोग को बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट डिडंट सेट अबाउट हाउ द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स अराइजेस, हाउ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अराइजेस, इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गया। इसी में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए जो पास्चर थे, है ना, पास्चर बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किए 1864 में, इसे हम लोग पास्चर का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। 1864 में किए थे ये पास्चर जी, पास्चर एक्सपेरिमेंट, पास्चर एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट इन 1864, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट,
देखो स्वान नीक फ्लॉक्स एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं वो समझना है ना। एक पॉट लिया गया जिसका नेक था स्वान के गर्दन के जैसा, है ना। सपोज दैट दिस इज अ स्वान नेक फ्लास्क, है ना। ये शेप आप लोगों को दिख रहा होगा स्वान के नेक जैसा दिख रहा है। और इसमें पास्चर ने ईस्ट और वाटर को मिला दिया और फिर इसको गर्म किया गया। गर्म किया गया, कुछ देर वेट किया तो देखा, कुछ देर वेट किया, नो माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना। पहले यहां पे कोई भी माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो इसको जैसे ही ये गर्म किया, ये बॉईल होगा तो जो स्टीम होगा वो यहां पे आके फिर से लिक्विड बन जाएगा, है ना। जो स्टीम होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो यहाँ पे पहले टकराएगा फिर यहाँ आएगा और यहाँ आके लिक्विड हो जाएगा। तो एटमोसफेयर में सपोज दैट कोई जो माइक्रोब्स होगा, माइक्रोब्स वो यहाँ पर तो यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आके वो मर जाएगा, है ना। इससे आगे वो नहीं बढ़ जा पाएगा। तो फिर उसके बाद पाश्चर ने क्या किया, ये जो फ्लास्क था इसका ये जो नेक है इसको तोड़ दिया, है ना, ब्रेक कर दिया। स्वान नेक फ्लास्क नेक है उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला हम लोग को। और इसमें क्या है, ईस्ट प्लस वाटर है। इसको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद जब ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आया, माइक्रोब्स इस पे एक्शन कर पाया, तो हम लोगों को जो मिला यहाँ पे माइक्रोबियल कॉलोनी का ग्रोथ हो गया, माइक्रोबियल कॉलोनी, है ना। इसी तरह पास्चर ने ये स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चलता है कि जो लाइफ है वो लाइफ से ही आया है। मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट द थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस हम लोगों को ये नहीं बताता है कि फर्स्ट लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ, है ना। अब देखो थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस हम लोग क्या बोल रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वही न्यू लाइफ को जन्म देगा। लेकिन हम लोग का गोल तो ये नहीं ना है, हम लोग को न्यू लाइफ नहीं, हम लोग को जानना है कि ये पहले वाला लाइफ है ना, सबसे फर्स्ट लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ, हाउ द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट इन द प्रिमिटिव अर्थ, है ना, ये जानना है हम लोग को। तो ये आपका स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा है। एक फ्लास्क लिया गया जिसका जो नेक है वो स्वान के गर्दन के जैसा है। इसमें ईस्ट प्लस वाटर को गर्म किया गया। गर्म करने से मतलब ये गर्म करके स्टीम तो आएगा ना, स्टीम यहाँ टकराएगा फिर यहाँ से कुछ वाटर जमा हो जाएगा जिससे कि माइक्रोब्स इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो फिर यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स का या कोई भी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर क्या किया, नेक के फ्लास्क को तोड़ दिया गया। जैसे ही तोड़ा गया तो माइक्रोबियल कॉलोनी का ग्रोथ हो गया। यही है पाश्चर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी कॉस्मोजोइक थ्योरी देखो कॉस्मोजोइक थ्योरी हम लोगों से क्या बोलता है कि जो यर्ली ऑर्गेनिजम्स था, यर्ली ऑर्गेनिजम्स वो रेसिस्टेंट स्पोर्स के फॉर्म में इस पृथ्वी पर आया, रेसिस्टेंट स्पोर्स के फॉर्म में, है ना, जिसे हम कॉस्मोजोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोआ। जो यर्ली ऑर्गेनिजम्स था वो रेसिस्टेंट स्पोर्स के फॉर्म में इस पृथ्वी पर आया जिसे हम कॉस्मोजोआ बोलते हैं, और यही रेसिस्टेंट स्पोर नई लाइफ को जन्म दिया, ठीक है ना। कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलता है कि जो भी लाइफ है वो नियर बाई प्लैनेट से, है ना, जो हमारे आसपास जो प्लैनेट है, जो दूसरे ग्रह है वहां से लाइफ आकर इस अर्थ में रहने लगा, जिसे हम पैन स्पर्मिया बोलते हैं। पैन स्पर्मिया, पैन स्पर्मिया का क्या मीनिंग होता है कि जो नया लाइफ है वो अपने नियर बाई प्लैनेट से आकर अर्थ में रहने लगा, है ना, उसी को हम थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया भी बोलते हैं। लेकिन जैसे इस थ्योरी का प्रमाण क्या है कि ऐसा हुआ होगा कि दूसरे जगह से कोई और, मतलब दूसरे ग्रह से, दूसरे प्लैनेट से ऑर्गेनिजम्स आया और अर्थ पर आके बस गया, यहाँ रहने लगा, है ना। तो इसमें इसका जो मेन
मेन इसका जो एविडेंस होता है वो मैटेरॉइड्स होता है। मैटेरॉइड्स आप लोग तो समझते होंगे, हिंदी में इसको उल्का पिंड बोलते हैं, जो स्पेस से धरती में कभी कभी गिरता है ना। तो इस मैटेरॉइड्स को जब चेक किया गया तो इसमें वही सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाया गया जो हमारे बॉडी में होता है ना। इट कंटेन्स द मैटेरॉइड कंटेन्स द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है उसी का मतलब मैटेरॉइड्स का जो कॉम्पोजिशन था वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जैसा था। तो ये कॉस्मोजोइक थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन ये थ्योरी फेल कहाँ हो जाता है, कॉस्मोजोइक थ्योरी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस, है ना। दो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है, तो लाइफ का आना इम्पॉसिबल है ना। इंटरस्टेलर स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मतलब एटमोस्फेयर मतलब स्पेस का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है स्पेस का, या आउटर एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंटरस्टेलर डिस्टेंस ज्यादा है, नो लाइफ इन नियर बाई प्लैनेट। मान लो अगर आसपास के प्लैनेट से अगर इस धरती पे कोई लाइफ आता तो हम लोग को आसपास का प्लैनेट में कुछ तो लाइफ दिखता ना, लेकिन आज तक हम लोगों को लाइफ दिखा नहीं है। इसीलिए तीसरा रीजन जो इस थ्योरी को फेल करता है, नो लाइफ इन नियर बाई प्लैनेट्स। तो ये सारा चीज है, इंटरस्टेलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटरस्टेलर स्पेस बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है आउटर एटमोस्फेयर का, स्पेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हम लोगों को आसपास के प्लैनेट में हम लोगों को लाइफ नहीं दिखा, मतलब लाइफ नहीं है, तो दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से लाइफ कैसे आएगा। तो यहाँ पे ये जो कॉस्मोजोइक थ्योरी है ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो देखो आज हम लोगों ने ऑरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग चार थ्योरीज को करा, थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सेड दैट द लाइफ वॉज क्रिएटेड बाई गॉड एंड द अर्थ वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाई गॉड। According to theory of special creation, the Earth is only 4,000 year old, है ना? लेकिन इस थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ अबायोजेनेसिस देखा, हम लोगों ने देखा कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो लिविंग ऑब्जेक्ट को, लिविंग थिंग को बना सकता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस में हम लोगों ने पास्चर का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो, पास्चर एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उसके बाद थ्योरीज ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉस्मोजोइक थ्योरी है और जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस था, ये थ्योरी हम लोग को बताता क्या है कि लाइफ, मतलब ये हम लोग को बताता है कि लाइफ से ही लाइफ बना, है ना। जैसे दूसरे स्पेस से अगर लाइफ है, मतलब दूसरे स्पेस में, दूसरे प्लैनेट में कोई ऑर्गेनिजम्स रहता है, वो इस अर्थ में आके रह रहा है, तो वो तो पहले से लाइफ है ना, यहाँ तो लाइफ का ऑरिजिन नहीं हुआ। और बायोजेनेसिस बोलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही अराइज होगा। तो ये दोनों थ्योरी हम लोग को बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं बताता है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फर्स्ट लाइफ का ऑरिजिन कैसे हुआ। ये हम लोगों को थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस कॉस्मोजोइक थ्योरी नहीं बताता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ओपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स ऑल।